अर्शी सुनेगी चुपके से छोटोन और अनिरुद्ध की बात, क्या होने वाला है आगे की कहानी में नया ट्विस्ट, पूरी अपडेट जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का इंस्टा फीड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के बारे में। इस एपिसोड की आने वाली कहानी आप सभी के लिए बड़ी मज़ेदार होने वाली है, साथ ही आने वाले सीरियल में आपको इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे पूरी अपडेट जाने से पहले ये जान लेते हैं कि हाल ही के ट्रैक में क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही के ट्रैक में आप सब देख रहे होंगे कि झनक जो है उसके पापा की डेथ हो गई है और अंतिम संस्कार के लिए जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, सीरियल के आगे की कहानी में आपको यही देखने को मिलेगा कि अंतिम संस्कार के लिए जब झनक जाएगी तो जो अनिरुद्ध है वो अस्थियां लेकर आएगा और वो उसका साथ देते हुए दिखने वाला है। दूसरी तरफ बात करें सीरियल की आने वाले अपकमिंग ट्रैक के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, सीरियल के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि छोटोन और अनिरुद्ध बात कर रहे होते हैं। उसी समय अनिरुद्ध कहता है कि मैं झनक से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और अर्शी को भी मुझे ही देखना है अब तो इसी बात पर छोटोन जो है वो ये कहता है कि तुम अर्शी के साथ भले रह रहे हो लेकिन तुम सच्चा प्यार तो झनक से ही करते हो और तुम मेरी इस बात को इग्नोर मत करो। तो जो अनिरुद्ध है वो कहता है कि ये बात तो तुम सच बोल रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ जो छोटोन है ये कहते हुए नजर आएगा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम झनक का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और वहीं जो अनिरुद्ध है वो ये भी कहते हुए नजर आएगा कि झनक जो है काफी ज्यादा अकेली है और मैं उनको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तभी अर्शी पीछे से पूरी बातें सुन लेगी, और ट्रैक में आपने ये भी देखा होगा कि जब झनक की तबीयत खराब हो जाती है, जब उनके पापा की डेथ हो जाती है, तो उसी समय जो झनक को धक्का देते हुए नजर आएगी अर्शी, और वहीं अनिरुद्ध जो है काफी ज्यादा गुस्सा करेगा कि इनकी तबीयत खराब है और तुम इस समय भी ऐसे बिहेव कर रही हो। तो कहानी में ये सब देखना आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है आपको कि झनक जो है क्या साथ रहेगी अनिरुद्ध के, या फिर चली जाएगी अनिरुद्ध को छोड़कर आदित्य के पास में? तो कहानी में ये देखना आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही अर्शी का क्या रिएक्शन होगा जब वो छोटोन और अनिरुद्ध की बात सुनेगी, तो आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। साथ ही शो के मेकर्स इस एपिसोड की आगे की कहानी में बड़े राजों का खुलासा करने वाले हैं। सीरियल की आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलेंगे और भी नए ट्विस्ट। साथ ही सीरियल की आगे की तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल इंस्टा फीड। धन्यवाद।